हेलो फ्रेंड्स, मैं सर रोनू मंत्री। आज हम हमारे चैप्टर नंबर 11 के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए, चैप्टर नंबर 11 के जो आपको मैंने एक बार पूरी तरीके से समझा चुका हूँ, कंप्लीट अपना चैप्टर हो चुका है, फिर भी आपको कोई इश्यू डाउट रह रहा हो उस चैप्टर में तो वापस से जरूर पूछेगा, क्योंकि जब तक चैप्टर कम्प्लीट नहीं होगा तब उससे क्वेश्चन आंसर समझ में नहीं आएंगे। तो अपन देखने जा रहे हैं अभी क्वेश्चन आंसर्स, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, When do we say work is done? अपन कब कह सकते हैं साइंस कि भाई वर्क हुआ है? अकॉर्डिंग टू साइंस ही ध्यान रखिए, क्योंकि अपन क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो ये तभी माना जाएगा जब वो साइंस के अकॉर्डिंग हो। तो देखिए, साइंस के अकॉर्डिंग वर्क कब कहा जाएगा? जब कोई बॉडी जो है या कोई ऑब्जेक्ट है वो मूवमेंट कर रही है, मूवमेंट करने के साथ साथ क्या हो रही है, उस पर फोर्स लग रहा है, फोर्स लगने की वजह से क्या हो रहा है, वो एक उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। मतलब क्या चीजें चाहिए, एक तो फोर्स होना चाहिए एंड डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों चीजें क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ये अगर कंप्लीट हो रही है किसी भी ऑब्जेक्ट में तो माना जाएगा कि उसके ऊपर वर्क किया गया है। अगर दोनों में से एक भी चीज एब्सेंट है तो फिर वर्क क्या होगा, जीरो मान लिया जाएगा, मतलब वर्क हो ही नहीं रहा है ऐसा माना जाएगा। तो मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो वर्क कर रही नहीं कर रही ये पता करना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके फोर्स प्लस डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट है, ऐसा नहीं है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, दोनों में से एक चीज नहीं, दोनों चीजें होनी कंपलसरी है, ठीक है। नेक्स्ट, डिफाइन वन जूल। वन जूल क्या होती है? वन जूल को समझना चाहें तो देखो ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट है उसको अपन क्या कर रहे हैं, अपने 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। 1 न्यूटन का फोर्स लगाने की वजह से क्या होती है, वो 1 मीटर का डिस्टेंस कवर कर करके पहुंच जाती है ए पॉइंट से बी पॉइंट पे। ए पॉइंट से बी पॉइंट पे पहुंच गई है, वो फोर्स जो लगाया गया है वो कितना है, एफ है, और डिस्टेंस कितना कवर किया, 1। दोनों क्वांटिटी 1-1 है, इसका मतलब इसकी टाइम में जो एनर्जी लगी है या फिर इस समय जो वर्क हुआ है वो 1 जूल के इक्वल माना जा सकता है, ठीक है। ये हो गई हमारे डिफाइन 1 जूल की। इसके बाद, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी? काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बॉडी की? किसी भी बॉडी के मूवमेंट की वजह से होने वाली जो उसमें एनर्जी क्रिएट होती है वो होती है काइनेटिक एनर्जी। इसकी डिफाइनेशन सी है कि भाई एनर्जी ड्यू टू मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। ऐसी एनर्जी जो किसी भी ऑब्जेक्ट में उसके मोशन की वजह से क्रिएट होती है वो क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। फिर आती है इसके बाद अपने पास ए बैटरी। ए बैटरी लाइट्स ए बल्ब। एक बैटरी क्या कर रही है, एक बल्ब को अच्छी तरीके से जला रही है जिससे उजाला हो रहा है। डिस्क्राइब द एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। इस प्रोसेस में कौन सी एनर्जी किसमें ट्रांसफर हो रही है, किसमें बदल रही है, चेंज हो रही है, उनको बताना है। जैसे भाई बल्ब है, बल्ब में क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी आती है, तो एनर्जी किस रूप में, इलेक्ट्रिसिटी के रूप में। अब वो इलेक्ट्रिसिटी बल्ब क्या कर रहा है, उसको उजाला यानी कि प्रकाश दे रहा है, तो प्रकाश क्या हो गया, लाइट, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी या इलेक्ट्रिक एनर्जी जो कन्वर्ट किस में हो रही है, लाइट एनर्जी में। ऐसे अगर अपन सिंपल और दूसरे एग्जांपल समझना चाहें, जैसे फैन हो गया, तो फैन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को वाइंड एनर्जी में, विंड एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम कर रहा है। बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं जो अलग अलग फॉर्म में एनर्जी को जनरेट करते हैं, मतलब कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी को कन्वर्ट करने का काम कर रहे हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, व्हाट आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन दैट ओकर व्हेन यू आर राइडिंग ए बाइसिकल। जब अपन साइकिल चला रहे हैं तो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन कौन सा किस में हो रहा है? अपन जो भी मतलब कुछ खाना वगैरह खाते हैं, फूड पार्टिकल्स खाते हैं, तो उससे क्या होता है, अपनी बॉडी को एनर्जी मिलती है, वो एनर्जी केमिकल रिएक्शन के रूप में होती है, वो केमिकल रिएक्शन के थ्रू क्या हो रही है, एनर्जी रिलीज होती है। उस एनर्जी को अपन क्या काम में ले रहे हैं, साइकिल के पेडल मारने में। वो पेडलिंग करने की वजह से क्या हो रही है, एनर्जी मसलर एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, मसलर एनर्जी के रूप में क्या हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है हीट के रूप में, और हीट के रूप में दी किसको जा रही है, वो एनर्जी अपने बाहर निकाली जा रही है। जैसे मसल्स लगाने की वजह से क्या हो रहा है, अपन पेडल मार पा रहे हैं, और पेडल जिस तरीके से मर रहे हैं तो उसके साथ में क्या हो रही है, साइकिल आगे मूवमेंट कर पा रही है। तो मतलब क्या हो गया, पहले केमिकल एनर्जी से अपनी केमिकल जो केमिकल्स होते हैं उनसे मसलर एनर्जी के रूप में, मसलर से हीट एनर्जी के रूप में, फिर आगे बाइसिकल में वो एनर्जी दी जा रही है, तो वो क्या हो रही है, आगे मूवमेंट साइकिल कर जाती है,
ठीक है। तो ये था जो मतलब कि भाई नॉर्मल किस तरीके से साइकिल मूवमेंट करती है और उसमें अपन किस तरीके से एनर्जी को देते हैं ये हम समझ रहे थे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, डज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक प्लेस व्हेन यू पुश ए ह्यूज रॉक विद ऑल योर माइट एंड फेल टू मूव इट, वेयर इज द एनर्जी स्पेंड यू गोइंग। अपन जैसे बहुत बड़ी चट्टान है उसको धक्का लगाने की कोशिश कर रहे हैं अकेले, और वो चट्टान क्या है अपनी जगह से हिल तक भी नहीं पा रहे हैं, तो अपन ने क्या उस समय किया गया वर्क माना जाएगा साइंस के अकॉर्डिंग वर्क? नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि अपन चट्टान को हिला भी नहीं पाए हैं। अगर हिला ही नहीं पाए तो उस टाइम क्या अपना वर्क जीरो है, भले ही अपन कितने भी थक गए हों, कितना भी अपन को पसीना आ गया हो। तो उस समय मतलब अपनी एनर्जी तो वेस्ट हुई है, वो एनर्जी गई कहाँ पे ये अपन को पता करना चाह रहे हैं। तो एनर्जी अपनी वो गई कहाँ पे? अपन ने अपनी सारी एनर्जी क्या कर दी है, उस जो चट्टान थी उसको अपनी जगह से हिलाने में लगा दी, बट वो हिल नहीं पाई। तो वो उसके जो चट्टान है वो क्या है, अपने इनर्शिया की वजह से उस पर्टिकुलर जगह पे रुकी हुई है। मतलब लॉ ऑफ इनर्शिया अपन ने पढ़ा था ना कि भाई कोई भी जो ऑब्जेक्ट है जब वो अपनी पोजीशन पे रहना चाहती है जब तक कि उसको एक बार फोर्स नहीं मिल जाए, बाह्य एक्सटर्नल फोर्स नहीं मिल जाए कि वो उसको क्या कर दे, आगे अपनी जगह से हिला दे। तो अपन जो फोर्स लगा रहे हैं वो फोर्स क्या है, इनर्शिया से कम है, क्योंकि उसका वेट ज़्यादा है, तो वेट ज़्यादा तो उसका इनर्शिया भी क्या है, ज़्यादा है। तो अपन उसको हिला नहीं पा रहे, तो वो सारी एनर्जी उसके इनर्शिया में चली गई, बट इनर्शिया में वो प्रॉपर जो अमाउंट में एनर्जी चाहिए थी वो नहीं लग पाई, इस वजह से वो अपनी जगह से नहीं हिल पाई, और जगह से नहीं हिल पाई तो टोटल जो मतलब हमारा वर्क था वो क्या हो गया, जीरो, ठीक है। मतलब वर्क करा या नहीं करा बात बराबर हो गई है, ठीक है। इसके बाद देखिए, व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन ए सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ, जस्टिफाई योर आंसर। देखिए भाई अपने पास क्या है, ये है अपनी अर्थ, इसके चारों तरफ क्या करती है, सैटेलाइट चक्कर लगाती रहती है इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये चक्कर लगाती है तो क्या इनके ऊपर भी कोई ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है या नहीं लगता है, ग्रेविटी काम करती नहीं करती, करती है तो ये अंदर आकर के क्यों नहीं गिरती है, ये पता करना है। इनके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स काम नहीं करता है, रीजन नहीं काम करने का क्योंकि क्या है कि भाई इनकी क्या है, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, ठीक है ना। फिक्स डायरेक्शन नहीं मतलब ये क्या है, हर पॉइंट पे आने के बाद इसकी डायरेक्शन क्या है अलग, इस पॉइंट पे देखें तो डायरेक्शन इस तरफ है, इस पॉइंट पे बात करेंगे तो डायरेक्शन इस तरफ, इस पे बात करेंगे तो डायरेक्शन इस तरफ, तो पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो इसका मूवमेंट हो ही नहीं रहा है, ठीक है ना। और मूवमेंट नहीं हो रहा है तो जो केवल सर्कल में घूम रही, हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज होने के साथ साथ इसके फोर्स भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं लग रहा है। तो मतलब अगर भाई एक ही जगह पर रुकी हुई होती तो क्या होता, हो सकता है कि अर्थ पे आकर के गिर जाते हैं, बट क्या है कंटिन्यू मूवमेंट में है, तो इसलिए इसके ऊपर कोई भी ग्रेविटी फोर्स काम नहीं कर रहा है, ठीक है। ये चीज आपके क्लियर हो गई होगी। तो ये थे कुछ क्वेश्चन आंसर जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, बाकी के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, जिससे आप लिंक पे क्लिक कर करके सारे क्वेश्चन आंसर्स अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं, अच्छी तरीके से नोट डाउन कर सकते हैं। कोई भी इश्यू डाउट रहे तो वहाँ पर एक बार जरूर पूछिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम आने वाले हमारे नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे, स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज की क्लास हमारी इसी के साथ यहीं ओवर होती है।